I had gone for a party with my best friend, you know, and there was an HIV testing kiosk over there, run by an NGO. तो हमने सोचा चलो ऐसी टेस्ट करा लेते हैं, देखते हैं. And my friend, he tested positive. और मेरा नेगेटिव आया, पर मैं बहुत डर गया उसके बाद, बहुत घबरा गया. इतना कि मैं घर के अंदर ही रहने लगा. Yeah, I just stopped having sex. Because condom का क्या भरोसा? Actually, मेरे अंदर भ्रम बैठ गया कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ ना, वो HIV positive है. इसलिए मैं बार बार टेस्ट कराने जाने लगा. मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखा तो PrEP इस्तेमाल करने की सलाह दी. बोला कि कॉन्डम के साथ इस्तेमाल करना है, एडेड सेफ्टी है, मैं और ज़्यादा सेफ महसूस करूँगा. एंड ही टुक माइनर ब्लड टेस्ट्स एंड किडनी टेस्ट्स एंड आई स्टार्टेड यूजिंग PrEP. आई वाज सो कॉन्फिडेंट. मुझे ऐसा लगा मेरी स्टीयरिंग वापस मेरे हाथ में थी. डॉक्टर ने मुझे समझाया टू यूज PrEP रेगुलरली, उसी से वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. मुझे एडवाइस किया कि PrEP अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर नहीं करना है. दो माई फ्रेंड्स वर रिलक्टेंट अबाउट द साइड इफेक्ट्स, बट आई कुड रिस्क सम माइनर साइड इफेक्ट्स बिकॉज वो इतनी बड़ी चीज़ HIV से मुझे बचा रहा था. सो आई वुड जस्ट से टू माई कम्युनिटी, जिनकी ऐसी लाइफ स्टाइल हो, टू स्टार्ट यूजिंग PrEP. इट रियली चेंज्ड माई लाइफ. To know more about PrEP, visit prep.yesforme.net. PrEP regularly use करें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माने. PrEP आपको सिर्फ HIV से सुरक्षित कर सकता है, STIs या प्रेगनेंसी से नहीं. PrEP के साथ आप कॉन्डम्स भी जरूर यूज करते रहें.